बुद्धि, करुणा और साहस पुरुषों के तीन सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर रोज चीजें जोड़े। बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए हर दिन चीजों को हटा दें। ज्ञान के बिना भविष्य का कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्यवान उद्देश्य नहीं है। हमारा चरित्र वह है जो हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई भी नहीं देख रहा है। सुंदर आंखों के लिए दूसरों में अच्छे की तलाश करें। सुंदर होठों के लिए केवल दयालुता के शब्दों को बोलो और संतुलन के लिए ज्ञान के साथ चलना। आप कभी अकेले नहीं हैं। जहां चिल्लाना है वहां कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। कमजोरी से पुरुष मजबूत बुद्धिमान बन जाते हैं। पुरुषों की केवल बुद्धिमान और बेवकूफ कभी नहीं बदलती। मौन वह नींद है जो ज्ञान को पोषित करती है। बुद्धि स्कूली शिक्षा का उत्पाद नहीं है बल्कि इसे हासिल करने के आजीवन प्रयासों का है। अपनी सूझबूझ का उपयोग करें। यही वह जगह है जहां सच्चा ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख के बीच केवल एक उंगली का अंतर होता है। मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख जानता है। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जहां दान और ज्ञान है न तो डर और न ही अज्ञान है। ईमानदारी ज्ञान की किताब में पहला अध्याय है। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी गलती कर सकती है। ज्ञान अनुभव से आता है। अनुभव अक्सर ज्ञान की कमी का परिणाम होता है। हमें केवल इतना ही जानना है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं।